हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एजुकेशन में इवैल्यूएशन का एक टेक्निक को जानेंगे जिसे हम ऑब्जर्वेशन या अवलोकन कहते हैं। आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हम ऑब्जर्वेशनल रिसर्च के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि एक ऑब्जर्वेशन का टेक्निक पढ़ रहे हैं। ये टेक्निक है इवैल्यूएशन का, जो कि आपके बीएड के असेसमेंट और इवैल्यूएशन टॉपिक में पेपर में है। और दूसरा कि अवलोकन, इसका ऑब्जर्वेशन का अर्थ होता है अवलोकन। अवलोकन क्या है? अवलोकन का अर्थ है देखना या निरीक्षण करना। तो यह एक निरीक्षण करना, देखना, ऑब्जर्व करना, ये सारा इसका मतलब है कि इसमें कौन सा बॉडी का पार्ट, कौन सा सेंस ऑर्गन रिलेटेड है। तो आंखें रिलेटेड है, इससे आंखें जुड़ी हुई, आंखों से देखना। तो इसको सब उनका कहना है, प्रोफेसर गडे एंड हॉट का कहना है कि क्या है कि साइंस की शुरुआत जो होती है वो ऑब्जर्वेशन से होती है, और फिर उसको हम सत्यापित करने के लिए फिर ऑब्जर्वेशन पे ही लौट कर आते हैं। तो इसलिए वैज्ञानिक कोई भी घटना को तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक स्वयं अपनी इंद्रियों से, अपने सेंस ऑर्गन से उसका ऑब्जर्वेशन नहीं करता। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? एक ऑब्जर्वेशन इज ए स्टडी, थॉटफुल स्टडी, जो कि किसके द्वारा किया जाता है? आईज के द्वारा। तो क्या है ऑब्जर्वेशन? इज वॉचिंग वॉट पीपुल डू, लोग क्या कर रहे हैं इसको देखना। इज एन ऑब्वियस मेथड ऑफ कैरिंग आउट रिसर्च इन साइकोलॉजी, नॉट ओनली इन साइकोलॉजी बल्कि साइंस में भी। तो साइकोलॉजी एंड साइंस भी हम इसको कहेंगे। तो ये क्या है कि ये ऑब्जर्वेशन करके जो भी रिसर्च किया जाता है, अवलोकन करके, ये इसका प्रयोग सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए, जटिल सामाजिक संस्थानों का अध्ययन करने के लिए, या किसी भी डिफरेंट यूनिट का स्टडी करने के प्रोसेस के रूप में ऑब्जर्वेशन का प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑब्जर्वेशन में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का कहना है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने ऑब्जर्वेशन को बताया है कि किसी भी घटना को उसी प्रकार देखना और वर्णन करना जिस तरह से हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, जिस तरह से वो घटना घट रही है, जैसे कॉज एंड इफेक्ट के रूप में या म्यूचुअल रिलेशन के रूप में कोई घटना घट रही है, तो उसको उसी तरह से देखना, जिस नेचुरल वे में घट रही है उसको देखना और उसको एक्सप्लेन करना ही ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन ये वैज्ञानिक जांच का या साइंटिफिक इंक्वायरी का फर्स्ट मैकेनिज्म है। तो ये क्या है कि ऑब्जर्वेशन इज वॉचिंग पीपुल, व्हाट पीपुल डू, लोग क्या कर रहे हैं, इज एन ऑब्वियस मेथड ऑफ कैरिंग आउट रिसर्च इन साइकोलॉजी। ऑब्जर्वेशन मेथड किस चीज के लिए बहुत ज्यादा सूट करता है? सबसे ज्यादा सुटेबल है किसी कल्चर का स्टडी करने के लिए, किसी भी संस्कृति का अध्ययन करने के लिए। हम उस कल्चर में क्या चल रहा है, उसके खान पान कैसे हैं, उसकी परंपराएं कैसी हैं, उसका रहन सहन कैसा है, वहाँ लोगों का संबंध कैसा, ये सारी चीजों को हम कैसे करते हैं स्टडी? तो ऑब्जर्व करके, देख कर, इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस कैसे चल रहा है, और ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन भी हम कैसे करते हैं? ऑब्जर्व करके, निरीक्षण करके, अवलोकन करके। इट कैन नॉट बी यूज टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन परसेप्शन, इससे जो अवलोकन है या निरीक्षण है, इससे हमें किसी व्यक्ति के परसेप्शन का व्यू नहीं पता चलता, उसके आइडियाज का पता नहीं चलता, उसके मन में क्या चल रहा है, उसका नजरिया कैसा है, ये नहीं पता चलता, उसके विश्वास, उसकी फीलिंग्स, इमोशंस, उसके क्या प्रेरणा स्रोत हैं, मोटिवेशंस,
या उसकी क्या उम्मीदें हैं या उसके भविष्य के क्या प्लान हैं, ये सारी चीजें हम देखकर नहीं बता सकते। किसी व्यक्ति को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि उसका नजरिया किसी भी चीज को देखने का क्या है, उसके विश्वास क्या है, वो किस तरह के बिलीफ का है, या उसकी क्या फीलिंग्स है, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके इमोशंस कैसे हैं, संवेग कैसे हैं, और वो कितना प्रेरित है, उसका मोटिवेशन इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक है। ये सारी चीजें हमें ऑब्जर्वेशन से नहीं पता चलता, उसके भविष्य के प्लान के बारे में भी हम नहीं पता कर सकते। लेकिन हमारे प्रतिदिन के लाइफ में क्या है कि हम बहुत सारी घटनाओं को जो हमारे इर्द गिर्द घट रही हैं उनको हम देखते हैं और उनको हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और हम उन पर नजर डालते हैं, वो हमारा ध्यान खींचते हैं। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन जो कि किसी निर्णय पर हमें पहुंचाते हैं उसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो ये जैसे कि जब हम सड़क पे चलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि लोग और सवारी गाड़ी व्हीकल सब बहुत तरह अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं। आप जा रहे होते हैं तो आपके दाईं तरफ बाएं तरफ लोग आते जाते दिखते हैं, कभी सामने से भी लोग आते जाते दिखते, पीछे से आते हैं। तो ये क्या है कि आप ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन से लोग आ रहे हैं, और ये ऑब्जर्वेशन करके आप जब सड़क क्रॉस करते हैं तो इधर देखते हैं दाएं बाएं देख कर ही आप रूट क्रॉस करते हैं और आप डिसाइड करते हैं। अगर गाड़ियों का काफिला आ रहा है या सवारियां आ रही हैं तो आप रोड नहीं क्रॉस करते बल्कि रुकते हैं। तो व्हाट इज इट, आप जब इधर उधर देखते गाड़ियों का काफिला को ध्यान देते हैं तो आप ऑब्जर्व करते हैं। इसलिए आप ऑब्जर्वेशन के बाद डिसीजन लेते हैं और डिसीजन लेकर आप एक्ट करते हैं। तो हम ऑब्जर्वेशन कब करते हैं, जब हम चलते हैं, देखते हैं, घूमते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, जब हम गाड़ी भी चलाते हैं तो हम गाड़ी चलाते समय सिग्नल ट्रैफिक रूल्स को भी हम ऑब्जर्व करते हैं कि सिग्नल कैसा है, ग्रीन है कि रेड है, जब रेड होता है तो हम रुक जाते हैं, ग्रीन सिग्नल में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़, फिर लोग कैसे मूव कर रहे हैं, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमें ये भी ऑब्जर्व करना होता है कि जो लोग पैदल चल रहे हैं उनको उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना है, कोई साइकिल वाले हैं, कोई स्कूटर वाले हैं, उनका भी ध्यान रखना है, और ताकि हम एक्सीडेंट को रोक सके, एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए हमको इन सारी चीज़ों को अभी अवलोकन करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। तो ये निरीक्षण या अवलोकन या ऑब्जर्वेशन क्या है, बहुत सारे रिसर्च पर्पस में भी ये हमें मदद करता है। ये कहाँ कहाँ यूज होता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में, जहाँ पर क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई घटना घटी है तो हम वहाँ जब जाकर उसमें एक्सप्लोर करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो वहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन का यूज करते हैं ताकि उस घटना के बारे में हमें उसका इनसाइट पता चल सके, उसकी उसको हम अच्छे से समझ सके। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करते हैं जो कि वह प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको हम पहले प्रॉब्लम को पहले हम स्टडी करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एक रिसर्च है जो कि प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करता है, वैसे प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करता है जिसका जो क्लियरली डिफाइंड नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, ऐसे रिसर्च में रिसर्चर क्या करता है, जनरल आइडिया फॉर्म करता है और उसके बाद वो उस वहाँ के इश्यूज को ऑब्जर्व करता है, उस घटना को देखता है, ऑब्जर्व करता है और उसके बाद फिर उनको टेस्ट भी करता है। तो किसी भी समस्या का इनसाइट को डेवलप करता है, जहाँ पर सपोज कि कोई एक जूस बार ओनर है वो सोचता है कि जूस का वैरायटी को बढ़ाए तो ताकि वो कस्टमर्स की संख्या को बढ़ा सके, जूस की वैरायटी बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा आएंगे, लेकिन वो इसके लिए श्योर नहीं है। तो वो क्या करता है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करता है कि ऐसा करने से क्या उसका जूस का जो कौन कौन सा जूस वो लाए ताकि लोग उसके कस्टमर बढ़े। तो इसमें क्या करेगा कि वो पहले ऑब्जर्व करता है बहुत सारी तो ये बहुत सारे जूस का सिलेक्शन करने के लिए वो जाता है और ऑब्जर्व करता है। तो ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में भी मदद करता है ताकि हम उसे सूझ मिले कि कौन सा
जूस लाया जाए जो कस्टमर को ज्यादा पसंद हो। तो इसमें सप्लीमेंट्री डेटा को कलेक्ट करने में भी मदद करता है ताकि वो प्रीवियस फाइंडिंग को इंटरप्रेट कर सके। ऑब्जर्वेशन के द्वारा क्या होता है कि हम कुछ फाइंडिंग्स करके अगर रखे हुए हैं और उसके उसमें और सप्लीमेंट्री डेटा को हम कलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जर्व करके। तो ये प्राइमरी मेथड के रूप में भी होता है कि किसी भी फेनोमेना को या किसी भी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए हम ऑब्जर्व करके उसके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन मेथड को हम और कहाँ यूज कर सकते हैं, वेरीफाई करने में। किसी भी चीज़ को हम जब देख लेते हैं अपनी आंखों से देखते हैं तो हम उसको वेरीफाई करते हैं और उसको फिर हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, उसका सामान्यीकरण कर सकते हैं, मतलब कि उसे ज़्यादा केसेस पे लागू कर सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशन के जरिए संभव है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन हमें मदद करता है कि लोग कैसे इंटरैक्ट करते हैं कोई भी नई चीज़ से, कोई नए प्रोडक्ट से, किसी नए लोग के साथ, या कोई भी चुनौती उनके सामने आती है तो वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं। तो ये चीज़ हमें अवलोकन करने से पता चलता है कि कैसे वो नए प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या फिर नए लोगों से किस तरह से मिल रहे हैं, या चुनौतियों का जो सामना कर रहे हैं, ये हम लोगों को ऑब्जर्व करके पता कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन के चार टाइप्स को बताया, किसने बताया? रेमंड गोल्ड। ये एक रेमंड गोल्ड एक सोशियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1958 में कितने टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन बताए? चार टाइप का। तो ऑब्जर्वेशन में पहला ऑब्जर्वेशन जो रेमंड गोल्ड ने बताया वो है कंप्लीट ऑब्जर्वर। कंप्लीट ऑब्जर्वर जैसा नाम से पता चल रहा है कि जो निरीक्षण कर रहा है, जो अवलोकन कर रहा है, वो कंप्लीट ऑब्जर्वर है। मतलब दिस इज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर वेयर द रिसर्चर इज नाइदर सीन नॉर नोटिस्ड बाई पार्टिसिपेंट। ऑब्जर्वर को हम रिसर्चर भी कहते हैं क्योंकि यह एक रिसर्च का मेथड भी, ऑब्जर्वेशन रिसर्च भी होता है। तो यहाँ ऑब्जर्वर या रिसर्चर वर्ड सेम व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है। तो ये डिटैच्ड होता है ऑब्जर्वर, मतलब क्या है कि वो जो जिनको ऑब्जर्व कर रहा है उनके द्वारा ना तो वो देखा जा रहा है और ना ही तो नोटिस किया जा रहा है। सपोज कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं एक फील्ड में फुटबॉल खेल रहे हैं बच्चे, और आप किनारे से खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बच्चों को मतलब भी नहीं है, ना बच्चे आपको देख रहे हैं ना आपको नोटिस कर रहे हैं, वो अपने खेलने में लगे हैं और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन सा बच्चा ज़्यादा पार्ट कर रहा है, या जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके खेलने का तरीका। तो इसे इसमें क्या है कि आप कंप्लीट ऑब्जर्वर हैं, केवल ऑब्जर्वर हैं वहाँ पर। ये वन वे ऑफ मिनिमाइजिंग द हॉथरन इफेक्ट। अब हम इसको जानेंगे, हॉथरन इफेक्ट क्या है। इससे क्या होगा कि एक आप नया टर्म भी जानेंगे और इस हो सकता है कि आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाए कि व्हाट इज हॉथरन इफेक्ट। तो क्या है कि ये हॉथरन इफेक्ट को मिनिमाइज करता है। क्या है कि हॉथरन इफेक्ट क्या होता है, अभी हम आगे और डिटेल में बताएंगे। अभी थोड़ा सा बता दें कि हॉथरन इफेक्ट होता है कि जब आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसको पता नहीं है, तो वो अपना नेचुरल वे में जैसे बिहेव करना है कर रहा है, और लेकिन हॉथरन इफेक्ट में जब अगर बच्चे को पता चल जाएगा तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे कोई नोटिस कर रहा है। तो ये कह रहा है कि हॉथरन इफेक्ट को मिनिमाइज कर रहा है क्योंकि उस बच्चों को पता नहीं चल रहा है, तो वो अपने नेचुरल वे में जैसे खेलते हैं जैसे कर रहा है आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। या क्लासरूम के बच्चों को आपको ऑब्जर्व करना है कि किसमें लीडरशिप क्वालिटी है, कौन ज़्यादा कोऑपरेटिव है, किसमें टीम स्पिरिट है, या तो किसमें खेल की भावना है, ये सारी चीज़ को आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं एज अ टीचर। तो आप बच्चों को खेलने भेज दें और बच्चों को पता ना चले और आप उनको ऑब्जर्व करें ऐसी जगह से, तो बच्चे क्या होगा कि फ्रीली जिसका जो बिहेवियर है उभर के सामने आएगा। अगर बच्चों को पता चल जाए तो वो हॉथरन इफेक्ट हो जाएगा कि फिर बच्चे उसी हिसाब से बिहेव करेंगे जैसा आप चाहते हैं या आपको इम्प्रेस करने के लिए। तो यहाँ पर हॉथरन इफेक्ट मिनिमाइज हो जा रहा है क्योंकि आप कंप्लीट ऑब्जर्वर हैं, जहाँ पर जिनको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उन्हें पता नहीं चल रहा है, पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता चल रहा है, सो वो नेचुरल वे में अपना एक्ट कर रहे हैं जैसे उनको करना है, बिकॉज दे डोंट नो
कि उनको उनको पता नहीं है कि उनका ऑब्जर्वेशन हो रहा है। जैसे पब्लिक प्लेस, कॉफी शॉप, ऑफिस बिल्डिंग, लॉबीज, एयरपोर्ट में आप किसी भी लोग को ऑब्जर्व करें, किसी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो फिर हम देखते हैं व्हाट इज हॉथरन इफेक्ट इन डिटेल। तो हॉथरन इफेक्ट क्या है कि ये इंक्रीज इन परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर नोटिस्ड। ये हॉथरन इफेक्ट में जब अगले को पता चल गया कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो उसका क्या होगा, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि उसे नोटिस किया जा रहा है, वॉच किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। जो भी रिसर्चर है या जो भी सुपरवाइजर है या जो भी ऑब्जर्वर है वो उन्हें वॉच कर रहा है, तो वो उनको अटेंशन देते हुए उसके एक्ट में या उसके परफॉर्मेंस में बदलाव आएगा, वो अच्छा परफॉर्म करने लगेगा आपको इम्प्रेस करने के लिए। 1958 में हेनरी ए लैंड्सबर्जर ने ये टर्म कॉइन किया था। तो ये टर्म जो है हॉथरन इफेक्ट इसके द्वारा दिया गया है, तो हेनरी ए लैंड्सबर्जर ने इस कॉइन्ड द वर्ड या टर्म जो भी कहें हॉथरन इफेक्ट। कब किया था ये क्वेश्चन आपका बन गया कंपटीशन के लिए, नेट के या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जब वो क्या कर रहे थे कि किसी शिकागो के नजदीक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक हॉथरन वर्क्स में वो क्या कर रहे थे कि स्टडीज कर रहे थे, तो वहां के वर्कर्स को वो वॉच कर रहे थे, तो ये उन्होंने इस वर्ड का इस्तेमाल किया। हॉथरन इफेक्ट क्या है कि यह एक टेंडेंसी है जो कि कुछ व्यक्तियों में उनका बिहेव क्या करता है कि जब उनको पता चल जाता है कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। यह फेनोमेना है जो बताता है कि जब लोग अवेयर हो जाते हैं कि वो किसी एक्सपेरिमेंट के हिस्सा है या उन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है या कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो जो एक्सपेरिमेंटर का अटेंशन जो उनको मिल रहा है वो उनके कंडक्ट को बदल देता है, वो उनका व्यवहार बदल जाता है कि वो दे आर बीइंग वॉच्ड बाय समवन, सो दे चेंज देयर बिहेवियर टू इन ऑर्डर टू इम्प्रेस द ऑब्जर्वर या वट एवर देयर इंटेंशन, बट उनका बिहेवियर बदल जाता है, वो नेचुरल वे में नहीं बिहेव करते हैं, इसे हॉथरन इफेक्ट कहा जाता है। दूसरा टाइप हो गया कंप्लीट ऑब्जर्वर में क्या हुआ कि वो ऑब्जर्व कर रहा है बिना, जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है उसको पता नहीं चल रहा है, तो जो जिनका ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो नेचुरल वे में एक्ट कर रहे हैं, ऑब्जर्वर एज ए पार्टिसिपेंट दूसरा टाइप का। दूसरा टाइप में ये रेमंड गोल्ड का दिया हुआ दूसरा टाइप है जिसमें ऑब्जर्वर क्या है कि पार्टिसिपेंट को पता है, बहुत सारे केस में पता हो चल जाता है कि वो ऑब्जर्वर है और वो उनको देखने आया है। तो यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट हैं वो ऑब्जर्वर के रिसर्च गोल को जानते हैं। मान लीजिए कि कोई आया अपना कुछ भी तरीके से ऑब्जर्व करने आया, उसका क्लास में आया, बच्चों का क्लास लेते हुए टीचर पढ़ा रहे तो उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने आया और बच्चों को बता दिया गया। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बच्चों के साथ कुछ इंट्रैक्शन हुआ ऑब्जर्वर का, उसने बताया कि मैं आपका ये करने आई हूँ, तो फिर वो इंटरेक्शन हुआ थोड़ा तो लिमिटेड इंटरेक्शन हुआ, तो ऑब्जर्वर का क्या है कि यहाँ पर बता दिया, उसके बाद वो न्यूट्रल है, वो बच्चों को गाइड नहीं कर रहा है, या सपोज कोई किसी चीज का सर्वे करने के लिए आया, उनको बताया और बच्चों से पूछा जा रहा है, तो सिर्फ बता दिया कि उसका पर्पस क्या है, उसके बाद वो बच्चों को गाइड नहीं कर रहा है कि आप ऐसे जवाब दो या कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वो नोट कर रहा है अगर, तो ये नहीं बता रहा है, बस वो न्यूट्रल हो गया। अब बच्चों को अपने व्यूज खुल के देना या ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा जिस तरह से बच्चे बिहेव कर रहे हैं। और तीसरा है ऑब्जर्वर यहाँ क्या हुआ एज पार्टिसिपेंट, वहाँ पर बच्चों ने सब को ऑब्जर्वर पार्टिसिपेंट जो है वो ऑब्जर्वर को रिकॉग्नाइज कर लिए और रिसर्च गोल भी उनको पता चल गया कि ऑब्जर्वर क्यों आया है, क्या रिसर्च गोल है, और कुछ रिसर्च के रिसर्चर या ऑब्जर्वर के साथ उनका इंट्रैक्शन भी हो गया थोड़ा सा। अब ऑब्जर्वर का एम क्या है कि न्यूट्रल है वो, और वो चुपचाप फिर बच्चों के रिस्पॉन्सेस को देख रहा है या जिसका भी है पार्टिसिपेंट्स का। फिर पार्टिसिपेंट एज ऑब्जर्वर तीसरा है कि यहाँ रिसर्चर फुल्ली एंगेज विद द पार्टिसिपेंट, फुल्ली एंगेज यहाँ पर क्या है
कि पार्टिसिपेंट के साथ रिसर्चर अब मिल गया, मिक्स कर गया। अब जो भी रिसर्चर है, सी और ही इज मोर फ्रेंड और कलीग देन ए न्यूट्रल थर्ड पार्टी। अब यहाँ पर क्या है, वो फ्रेंड है या कलीग है, वो थर्ड पार्टी नहीं है, बाहर से आया हुआ नहीं है। तो जब फुल इंट्रैक्शन हो गया पार्टिसिपेंट और ऑब्जर्वर के बीच में, तो दे स्टिल नो दैट दिस इज अ रिसर्चर, उनको पता हो गया, लेकिन खूब आपस में बातचीत हो गई, इंट्रैक्शन हो गया, लेकिन पता है कि वो एक रिसर्चर या ऑब्जर्वर है। देख वो, और ये मेथड कब यूज होता है, जब स्टडिंग रिमोट इंडिजेनस पॉपुलेशंस और इनर सिटी कल्चर्स। अब जब क्या है कि आप किसी भी पॉपुलेशन का रिमोट में अध्ययन करने के लिए गए हैं, तो उनको सारा पता है, वो बात कर लिए, सब कुछ उनको डिटेल पता है, और उनको ये भी मतलब वो फ्रेंडली उनको ऑब्जर्व करना चाहता है, उनसे क्वेश्चंस पूछना चाहता है या उनके व्यूज को जानना चाहता है। अगला है कंप्लीट पार्टिसिपेंट। इसमें क्या होता है कि ये जो ऑब्जर्वर है वो एक स्पाई की तरह होता है, मतलब कि वो पार्टिसिपेंट्स के साथ पूरा मिल के खेल रहा है, या जो भी पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व करना है वो एक्टिविटीज में वो पार्ट ले रहा है, और पार्टिसिपेंट को पता नहीं है। इसमें क्या है कि कंप्लीट पार्टिसिपेंट बन गया वो, वहाँ पर बच्चों को या जिसका भी ऑब्जर्व किया जा रहा है उनको नहीं पता है कि उन्हीं के बीच में उनका ऑब्जर्वर भी है और उनके साथ मिलकर ही वो काम कर रहा है। तो वो रिसर्चर के साथ पूरी तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं और उनको, लेकिन ये पता नहीं है कि वो उनको ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पर सम ये कहा जाता है कि ये गोइंग नेटिव, मतलब उनमें वो मिक्स कर जाता है, उनके साथ मिक्स हो जाता है, उनका अपना बन जाता है, और उसके बाद फिर उनको ऑब्जर्व करता है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट पार्टिसिपेंट होता है, मतलब यहाँ ऑब्जर्वर जो है वो पार्टिसिपेंट ही बन जाता है उनके साथ, और पार्टिसिपेंट्स को पता नहीं चलता है कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वर उन्हीं में नेटिव होकर उनमें मिक्स करके ऑब्जर्व करता है। अगला है पॉइंट की टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वर मेथड। अब स्ट्रक्चर और प्रोसेस के हिसाब से ऑब्जर्वेशन मेथड को दो तरह से बांटा गया है। पहला है सिस्टमैटिक तरीके से, सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड एंड कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड। दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड, इसको हम फिर एक एक करके देखेंगे, और इसके बाद वो फिर इसको डिवाइड किया गया है डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन ऑब्जर्व बाई ऑब्जर्वर्स इन एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप्स बीइंग ऑब्जर्व। तो इसको हम एक एक करके देखते हैं। इसमें नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट एंड क्वासी पार्टिसिपेंट। तो पहले हम देखते हैं सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड एंड कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड। तो स्ट्रक्चर्ड पहले देखिए कि स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन मेथड जो होता है, स्ट्रक्चर किया हुआ, यहाँ पर क्या है कि ऑब्जर्वर को पता है, पहले से पता होता है कि कौन सा बिहेवियर या कौन सा एक्टिविटी जो है लोगों का उसके रिसर्च वर्क के लिए रेलिवेंट है, मतलब कि उसको पता है कि कौन सा एक्टिविटी फिर उसको रिसर्च करना है। इसलिए वो क्या करता है कि वो इवेंट्स को रिकॉर्ड करना और ऑब्जर्व करना रहता है, जब शुरू कर देता है, जब तक कि डेटा कलेक्शन शुरू होने के पहले ही उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पहले से पता होता है कि उसको कौन सा बिहेवियर का कौन सा एस्पेक्ट या कौन सा एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना है। तो जब वो डेटा कलेक्ट करने के पहले ही वो बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को, और स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कंडीशन, किस कंडीशन में ऑब्जर्वेशन करना है, और मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग क्या है, और आइटम्स अंडर विच द ऑब्जर्वेशन इज टू बी रिकॉर्डेड आर प्रीफिक्स्ड। ये पहले से निर्धारित होता है कि क्या चीज़ का ऑब्जर्वेशन करना है और किस तरह का रिकॉर्डिंग करना है, कैसे मतलब रिकॉर्ड करना है या डेटा कलेक्ट करना है, और किस ऑब्जर्वेशन के लिए किस आइटम को रिकॉर्ड करना है, ये सारी चीजें पहले से तय होती हैं। तो इसको हम स्ट्रक्चर्ड करते हैं, मतलब ये पहले से तय करके सारा मतलब पॉइंट वाइज डिटेल बनाकर तब ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि ये जो है ना, इस तरह से करने से ऑब्जर्वेशन जो है सो हाईली स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक हो जाता है। स्ट्रक्चर्ड मेथड
कब यूज होता है, जब रिसर्चर को पूरी तरह पता होता है कि किस जो जिस प्रॉब्लम को वो इन्वेस्टिगेट करना है और किस पॉपुलेशन को, मतलब किस तरह का प्रॉब्लम को उसको ऑब्जर्व करना है या इन्वेस्टिगेट करना है, और उसका टारगेट पॉपुलेशन कौन है, किस लोगों को स्टडी करना है, क्या ये उसका उस पहले से उसको पता होता है, इसलिए वन कैन इसलिए वो उसका कॉन्सेप्ट और हाइपोथेसिस जो भी होता है वो ऑलरेडी फ्रेम्ड होता है। तो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन मेथड में वो बहुत केयरफुली शेड्यूल्स बने होते हैं और क्वेश्चनायर वो पहले से बना के लाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसका टारगेट पॉपुलेशन क्या है और उसके क्वेश्चंस क्या क्या है, उसको क्या जानना है। और वो ऑडियो विजुअल एड्स भी इसके लिए यूज कर सकता है, रेटिंग स्केल्स यूज कर सकता है, मैप टेबल्स डायग्राम्स का प्रयोग करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे किस संबंध में जानकारी चाहिए और किन लोगों से चाहिए, उसे क्या क्या पूछना है, तो वो सारी तैयारी करके आता है। इस तरह से ये इसे कैटेगरिकल जो जो कैटेगरी में उसको ऑब्जर्वेशन करना है वो कर सकता है और रिकॉर्डिंग भी कर सकता है फैक्ट्स का, और वो क्या कर सकता है कि अभी के स्टडी को प्रीवियस स्टडीज से कंपेयर कर सकता है, मतलब उसने पहले भी अगर स्टडीज से रिलेटेड कहीं और किया है या उन्हीं बच्चों का या उन्हीं उसी ग्रुप का पहले भी स्टडी किया, फिर से स्टडी करने आ रहा है, तो वो कंपेयर भी कर सकता है अपने प्रीवियस रिकॉर्ड से प्रेजेंट को, और उसके बाद प्रीवियस मेजरमेंट को क्या कर सकता है कि रिपीटेड स्टडी से वो उसको करेक्ट भी कर सकता है। अगर मान ले कि उसको डेटा कलेक्शन में गलती हो गई है तो उसे वो करेक्ट भी कर सकता है रिपीटेड स्टडीज से। तो इसमें क्या है कि स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन जो है या तो फील्ड में जाकर हो सकता है, फील्ड सिचुएशन में, नेचुरल कंडीशन में, जहाँ पर घटना हो रही है या जहाँ पर कुछ काम हो रहा है वहाँ पर जाकर स्टडी कर सकता है, या लेबोरेटरी सेटिंग में, कंट्रोल्ड कंडीशन में, लेबोरेटरी में, लैब में कर सकता है। वहाँ पर लैब में क्या होगा कि कंडीशन जो होगा वो आर्टिफिशियल होगा, वो क्रिएटेड होगा, बट फील्ड में वो नेचुरल सिचुएशन में कर सकता है। तो जब भी पॉसिबल ऑब्जर्वेशन शुड बी डन अंडर नेचुरल कंडीशन, लेकिन कहा जाता है कि ऑब्जर्वेशन निरीक्षण हमेशा नेचुरल कंडीशन में किया जाए अगर, तो ज़्यादा एक्यूरेट और सही पिक्चर ऑफ इवेंट्स मिलता है, ऑब्जर्वर को सही पिक्चर मिलता है, सही जानकारी मिलती है। तो रिलायबल और वैलिड डेटा को प्राप्त करने के लिए ऑब्जर्वेशन के मेथड से सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि स्टैंडर्डाइज टेक्निक को यूज करना, और उसके स्टैंडर्डाइज टेक्निक के जरिए डेटा को और इवेंट्स को ऑब्जर्व करना और रिकॉर्ड करना। दूसरा आ गया सिंपल और अनस्ट्रक्चर्ड, इसमें स्ट्रक्चर्ड नहीं है, पहले से कुछ तैयार किया हुआ नहीं है, एंड अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। इस मेथड जो है और निरीक्षण का या अवलोकन का, यह सिंपल और अनस्ट्रक्चर्ड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ें पहले से निर्धारित नहीं होती हैं, पहले से फिक्स करके ऑब्जर्वर या रिसर्चर नहीं आता है कि उसे क्या करना है। द ऑब्जर्वर इज मोर और लेस इन ए फ्री सिचुएशन, वो फ्री सिचुएशन में आता है और उसे जो दिखता है उसको ऑब्जर्व करता है। यहाँ पर ही उसको फील्ड डिसाइड करना है, कहाँ पर उसको ऑब्जर्व करना है, एक स्पॉट डिसाइड करना है, और क्या ऑब्जर्व करना है वो आकर डिसाइड करता है स्पॉट पे। उससे क्या होता है कि वो डिसीजन मेकिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो निर्णय ले सकता है। यहाँ पर क्या है कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है, यहाँ पर ऑब्जर्वर डिसाइड करता है कि किसको ऑब्जर्व करना है, क्या ऑब्जर्व करना है, और किस स्थान पर, किस स्पॉट पर ऑब्जर्व करना है। तो ये डिसीजन मेकिंग का जो अवसर उसको मिलता है वो यहाँ पर जो है सो ऑब्जर्वर का रोल सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो डिसाइड करता है, वो तय करता है, यहाँ पर कुछ भी पहले से फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पर सक्सेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन किस पर डिपेंड करता है कि कैसा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की क्वालिटी पर निर्भर करता है, मतलब उसकी कैपेबिलिटी कि वो सिचुएशन को कितना समझ पा रहा है और कितना ऑब्जर्व कर पा रहा है। तो ये कैपेबिलिटी जो है वो कैसे डेवलप होगा, तो वो ट्रेनिंग से और एक्सपीरियंस से। इसलिए कहा जाता है कि ऑब्जर्वर्स आर नॉट बॉर्न बट मेड, मतलब कि वो कोई भी ऑब्जर्वर
ट्रेनिंग से तैयार होता है, कोई ऑब्जर्वर जन्मजात नहीं होता है। ये कहा जाता है कि अनकंट्रोल्ड जो मेथड है, सिंपल अनस्ट्रक्चर्ड एंड अनकंट्रोल्ड मेथड है, क्योंकि यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और ऑब्जर्वर पर कि क्या ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर क्या है कि उसे पूरी आज़ादी है कि उसे क्या ऑब्जर्व करना है, कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, क्या रिकॉर्ड करना है, कितने समय में करना है, ये सारी चीज़ों की स्वतंत्रता उसको होती है। ऑल्सो देर इज नो कंट्रोल ओवर, और ऑब्जर्वर पर भी कोई कंट्रोल नहीं करता है, उसको जो अपने रिक्वायरमेंट है या अपने हिसाब से वो ऑब्जर्व करता है। यहाँ ऑब्जर्वर्स को क्या अलाउ किया जाता है कि वो अपनी इच्छा से यहाँ पर बिहेव करें। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आप ऑब्जर्वर इस तरह का है, तो इस अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वर को सपोज किसी स्कूल में जाते हैं और उसे किसी क्लास के बच्चों को ऑब्जर्व करना है, तो वहाँ पर उसका कोई शेड्यूल नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, कोई स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आया नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो स्कूल वालों से बस परमिशन लेता है और क्लास में जाता है और बच्चों को अपने तरीके से ऑब्जर्व करता है। तो ये सिंपल अनस्ट्रक्चर्ड और अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन को तीन सब टाइप में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन बाय ऑब्जर्वर एंड ऑन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व। मतलब क्या है कि ये अनस्ट्रक्चर्ड जो अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है, इसको तीन हिस्सों में बांटा गया है, और किस आधार पर बांटा गया है कि ऑब्जर्वर का कितना पार्टिसिपेशन है और ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड के बीच में क्या रिलेशन है, इसके आधार पर। मतलब ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड के बीच का रिलेशन के आधार पर और डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन के आधार पर ये तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहला है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड एंड क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड। अब हम इनको एक एक करके फिर देखते हैं। पहला है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड। इस मेथड में क्या है कि ऑब्जर्वर जो है ऑब्जर्वर क्या करता है, यहाँ पर कौन सा रोल हो जाता है उसका, वहाँ पर पार्टिसिपेंट हो जाता है। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि वो ग्रुप का मेंबर बन जाता है, और कैसे मेंबर बनता है, छिप के, उस मतलब कि वो उस ग्रुप में शामिल हो जाता है और जिनका ऑब्जर्वेशन हो रहा है उन्हें पता नहीं होता, और पार्टिसिपेट्स इन डिफरेंट एक्टिविटीज और फंक्शंस ऑफ द ग्रुप। वो ग्रुप में शामिल होकर और सब में पार्टिसिपेट करने लगता है, जो भी फंक्शन होता है या जो भी एक्टिविटीज, और उसके बाद समटाइम्स क्या होता है, ऑब्जर्वर्स बिहेवियर और एक्टिविटीज एंड एट द सेम हु आर कम्प्लीटली अनअवेयर एंड एट द सेम टाइम क्या करता है वो ऑब्जर्व्स द बिहेवियर। अब क्या हुआ कि वो पार्टिसिपेंट बन गया उस ग्रुप का, अब लोगों के अदर मेंबर का बिहेवियर और एक्टिविटी को वो ऑब्जर्व करता है, जबकि लोगों को जो अदर ग्रुप मेंबर्स हैं उनको पता नहीं होता। तो इस टाइप का ऑब्जर्वेशन के लिए क्या जरूरी है कि जो इन्वेस्टिगेटर या ऑब्जर्वर है वो अपने को इस तरह से इंट्रोड्यूस करे उस ग्रुप में कि लोग उसे ग्रुप के मेंबर के रूप में स्वीकार कर ले। ये ना ऐसा ना वो अपने को इंट्रोड्यूस करे कि वो ऑब्जर्वर है, हमको ऑब्जर्व करने आया है, बस वो उनके साथ डिस्गाइज रूप में आकर उनके टाइम टेबल में उनके एक मेंबर बन जाता है उस ग्रुप का, और उसके बाद फिर वो अपना पर्पस जो है ऑब्जर्वेशन का पूरा करता है। इसमें बच्चों को या जिस ग्रुप को वो ऑब्जर्व कर रहा है उन्हें पता नहीं होता। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल लाइफ कैन नॉट ऑलवेज बी अचीव थ्रू क्वेश्चनायर। अब रियल लाइफ का कोई चीज ऑब्जर्व करना है तो उसको हमेशा क्वेश्चनायर से नहीं अचीव किया जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर देने में लोग हमेशा सही नहीं देते, लेकिन उनके एक्टिविटी को ऑब्जर्व करके सही जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसलिए डॉक्यूमेंट्स और क्वेश्चनायर हर समय सही मतलब रियल लाइफ की सिचुएशंस को नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, तो उनके साथ मिलकर ये क्या करता है, उनके लैंग्वेज को समझ कर और उनके साथ बातचीत करके यहाँ पर ऑब्जर्वर जो है वो ज़्यादा अच्छी और सटीक जानकारी प्राप्त कर सकता है। दूसरा है क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर।
इसके बाद फिर हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर पर आएंगे, पहले इसको समझ लें। क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या है कि इसमें पार्टिसिपेंट भी होता है और नॉन पार्टिसिपेंट दोनों का मेरिट होता है। नॉन पार्टिसिपेंट भी हम आगे चल के देखेंगे, तो इसमें दोनों तरह के मेथड का मेरिट होता है। इसमें क्या होता है कि इस टाइप के ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या है, लिमिट पार्टिसिपेशन जो होता है वो लिमिटेड अमाउंट में होता है। किसका? ऑब्जर्वर का। कम्युनिटी एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करता है लेकिन लिमिटेड अमाउंट में। वहाँ क्या होता है, पार्टिसिपेंट में तो पूरी तरह मिक्स कर जाता है, चिपक कर। यहाँ पर क्या होता है कि इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द ऑब्जर्वर, के लिए कठिन होता है, एंड द ऑब्जर्व टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ कंप्लीट नॉन पार्टिसिपेशन। यहाँ पर क्या है कि पार्टिसिपेट भी करेगा और नॉन पार्टिसिपेट मतलब हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसमें दोनों के लिए क्या है कि नॉन कंप्लीट नॉन पार्टिसिपेशन मेंटेन करना संभव नहीं होता है। तो नॉन पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन हम ऑब्जर्वर हमेशा मौजूद रहता है बाहरी व्यक्ति के रूप में, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। नॉन पार्टिसिपेंट का मतलब ये है कि वो पार्टिसिपेंट नहीं है, वो ग्रुप एक्टिविटीज का में हिस्सा नहीं ले रहा है, वो बाहर से देख रहा है। तो ये क्या है कि यहाँ पर दिस मेक्स बोथ ऑब्जर्व्ड एंड ऑब्जर्वर अनकम्फर्टेबल। वो बाहर से देख रहा है तो इसमें दोनों को ऑब्जर्वर भी अनकम्फर्टेबल होता है और जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है वो भी अनकम्फर्टेबल होता है। तो पार्टिसिपेंट नॉन पार्टिसिपेंट में क्या हुआ कि वो पार्टिसिपेंट नहीं होता, बाहर से देखता है। तो जिसमें कि बाहर से देखने से क्या होता है कि दोनों ऑब्जर्वर को भी कंफर्टेबल नहीं होता है और जिनको ऑब्जर्व किया जा रहा है वो भी कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में हम और थोड़ा डिटेल पे जा रहे हैं कि वो एक रिसर्च मेथडोलॉजी है जिसमें कि ऑब्जर्वर किसी भी डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेंट में के एक्टिविटी में वो शामिल हो जाता है। और ये रिसर्च का एक फॉर्म है जिसमें रिसर्चर क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक किसी कम्युनिटी में वो रहता है साथ, तो पार्टिसिपेंट बन जाता है, उसी कम्युनिटी में रहता है। तो ये ऑब्जर्वेशन किस एथनोग्राफिक रिसर्च एंथ्रोपोलॉजी में होता है, ये रिसर्च का एक तरीका है। इसलिए ये इसमें क्या होता है कि वो ग्रुप में जाकर शामिल हो जाता है, उनके साथ रहता है। ये एंथ्रोपोलॉजी का है, मानव विज्ञान का एथनोग्राफिक रिसर्च होता है, उसमें इस तरह का पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर हो जाता है और उनके साथ उनके डे टू डे एक्टिविटी में रहता है। और ये बट अब ये जो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है अब दूसरे दूसरे फील्ड में भी यूज होने लगा है, एजुकेशन में, क्रिमिनोलॉजी में, क्रिमिनल लोग का अध्ययन करने के लिए भी उनके साथ रहकर लोग अध्ययन करता है, पार्टिसिपेंट बनकर उनके मानसिक दशा को उनके विचार को जानने के लिए। सोशियोलॉजी में और बिजनेस और मार्केटिंग में भी यूज होने लगा है। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है ना, ये क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन है जिसमें कि ऑब्जर्वर जो है वो उस एनवायरनमेंट में जो सब्जेक्ट को वो स्टडी करना चाहता है उसके एनवायरनमेंट में, उसके वातावरण में वो बहुत लंबे समय तक रहता है, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक रहता है। तो इसे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में भी मदद मिलता है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होता है, एक लंबे समय तक किसी का अध्ययन जब करते हैं हम, किसी ग्रुप का या किसी भी ग्रुप का लंबे समय तक, एक ही ग्रुप का लंबे समय तक अध्ययन जो होता है उसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम का स्टडी या लॉन्गिट्यूडनल स्टडी उसके मेंबर बनके। अब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो होता है ना वो कोवर्ट और ओवर्ट ऑब्जर्वेशन भी होता है। तो कोवर्ट ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को हम कोवर्ट और ओवर्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये ऑब्जर्वेशन को यह कोवर्ट है या ओवर्ट कैसे होगा, तो कोवर्ट पार्टिसिपेशन जब होता है ना, पार्टिसिपेंट का ऑब्जर्वेशन जब कोवर्ट होता है तो रिसर्चर या को ऑब्जर्वर जो है वो अपने प्रेजेंस को कोवर्ट में अपने प्रेजेंस को नहीं बताते हैं, पता नहीं चलने देते हैं। प्रेजेंस आर नॉट नोन टू सब्जेक्ट जिसका वो अध्ययन करने गया है, उसमें वो पार्टिसिपेंट है लेकिन
वो उनको पता नहीं चलने देता, तो इसे हम कोवर्ट कहते हैं, ठीक है। और इफ दे डू नॉट आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज रिसर्चर, वो उसको नहीं पहचान पाते हैं, वो पार्टिसिपेंट बन जाता है, तो उसे हम कोवर्ट कहते हैं। और ओवर्ट में क्या होता है कि इन केस ऑफ ओवर्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन दे डू बोथ। यहाँ क्या है कि ओवर्ट में रिसर्चर डू नॉट जनरली इन्फॉर्म पीपल दैट दे एनकाउंटर्ड इन द कोर्स ऑफ देयर रिसर्च अबाउट स्पेसिफिक पर्पस ऑफ देयर रिसर्च और इन्फॉर्म एवरीवन दैट दे मीट दैट दे आर रिसर्चर सिंस दिस कुड नीडलेसली डिस्टर्ब द कन्वर्सेशन एंड इवेंट्स बीइंग ऑब्जर्व। इसमें क्या है कि ओवर्ट में जब होता है तो वो नहीं, सारे लोगों को नहीं बताते हैं। ओवर्ट ऑब्जर्वेशन में सारे पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता चलता है। यहाँ पर जो भी ऑब्जर्व हो रहे हैं, जिनका ऑब्जर्व किया जा रहा है, Who are being observed, जिनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, यहाँ पर आर अवेयर ऑफ द फैक्ट, इसमें क्या है कि रिसर्चर Inform the people that they encountered in their और specific purpose भी बताते हैं। The research activity में वो overt participant में वो बताते हैं उनकी जो activity हो रही है उसमें उनका participation। Non participant में होता है कि वो presence उनका नहीं पता होता है और overt में पता होता है, ठीक है। उसके बाद हम चले एक्टिव और पैसिव। एक्टिव वर्सेस पैसिव ऑब्जर्वेशन। पैसिव फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जब होता है तो पार्टिसिपेंट का ऑब्जर्वेशन, तो रिसर्चर क्या करता है कि ऑब्जर्व कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है जो भी बिहेवियर हो रहा है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कौन हुआ, जिनका स्टडी किया जा रहा है, तो उनके बिहेवियर को और वो रिकॉर्ड कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है बिना उनसे बात किए, बिना इंटरैक्टिंग, बिना बात किए सब्जेक्ट से वो एक्ट कर रहा है, तो ये पैसिव ऑब्जर्वेशन हुआ। और एक्टिव फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या है कि रिसर्चर अपने सब्जेक्ट से बात करता है, यहाँ पर क्या है कि उनको विदाउट कन्वर्सिंग हो गया पैसिव, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि उनसे बात कर रहा है, कन्वर्स विद द सब्जेक्ट्स देयर सब्जेक्ट, और उनसे उनके डेली लाइफ में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो जिस भी ग्रुप को स्टडी कर रहा है उनके एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, उनके कस्टम रिचुअल रूटीन में भाग ले रहा है, तो यहाँ पर इसे हम एक्टिव कहते हैं, एक्टिव फॉर्म। ये एक्टिव हो गया, पैसिव हो गया, ठीक है। तो एक्टिव में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, उनको बता रहा है, उनको पता है, और पैसिव में क्या है कि वो ऑब्जर्व कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, उन्हें पता नहीं है। और फिर अगला है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसको हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था। ये तब होता है जबकि जो भी ऑब्जर्वर है या रिसर्चर है वो क्या करता है कि बहुत फॉर्मल मैनर में फैक्ट्स को इकट्ठा कर लेता है, तो कभी तो यहाँ जो भी जिनका ऑब्जर्व कर रहा है उन्हें पता भी चल जाता है कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ये स्मॉल ग्रुप में किया जाता है रिसर्च सिचुएशन, और इसमें कंप्लीट नॉन पार्टिसिपेशन बिकम्स बोथ डिफिकल्ट एंड अनकंफर्टेबल। यहाँ पर कंप्लीट नॉन पार्टिसिपेशन नहीं संभव है, क्योंकि यहाँ पर ये डिफिकल्ट होता है क्योंकि छोटे ग्रुप में हो रहा है, तो ऑब्जर्वर को भी और ऑब्जर्व दोनों को दिक्कत होती है, इसलिए ऑब्जर्वर वहाँ हमेशा प्रेजेंट रहता है और रिलेशनशिप या रोल पैटर्न निश्चित नहीं होता, इसलिए यहाँ पर छोटे ग्रुप में होने की वजह से दोनों को पता चल जाता है, मतलब ऑब्जर्व को भी पता चल जाता है। अब क्या है कि किसी भी ऑब्जर्वेशन मेथड में दो पॉसिबल सोर्स, दो तरह का बायस हो सकता है। बायस मतलब कि आपकी
जो भी निर्णय है उसमें एक तरफा, तो बायस एक पहला है ऑब्जर्वर के कारण बायस होना। तो यह बायस कब होता है, जब ऑब्जर्वर क्या है कि अपने ओपिनियन से वो प्रभावित होता है या अपने एटीट्यूड या अपना कल्चरल वैल्यूज लेके आता है। जब ऑब्जर्व करने आया है तो अपना बायस लेके आया कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, तो क्या होता है कि वो सही ढंग से अध्ययन नहीं कर पाता है क्योंकि वो अपने कल्चरल वैल्यूज और एटीट्यूड को लेके आया है, उसके अपने ओपिनियन है। तो जब वो ऑब्जर्व कर रहा है या रिकॉर्ड कर रहा है या बच्चों लोगों का ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो वो जो है उसको कलेक्ट करना और एक्सेप्ट करना, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसमें उसको दिक्कत होती है क्योंकि उसका जो बायस है, उसका जो अपने विचार हैं वो आड़े आ जाते हैं और वो सही इंफरेंस, वैलिड इंफरेंस निकालने में उसको दिक्कत होती है क्योंकि वो प्रभावित हो जाता है अपने विचारों से। तो ये क्या है कि ऑब्जर्वर जो है ना, इस समय इसकी संभावना होती है कि वो गलत अनुमान निकाल ले या गलत इंफरेंस निकाल ले क्योंकि कुछ भी कुछ एक्शन को वो ओवरलुक कर दे, उन पर ध्यान न दे, उनको अनइम्पॉर्टेंट समझ ले या फिर किसी को कोई एक्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दे। तो इस तरह से किसी भी बिहेवियर को इम्पोर्टेंस ना दे, किसी बिहेवियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दे जो कि इम्पोर्टेंट ना हो। तो ये संभव कैसे तब है जबकि वो ज्यादा जानता है या उसका अपना बायस से कुछ अपने विचार लेके आया है तो कुछ विचार को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा तो उसका सही इन्फरेंस नहीं निकलेगा। अगला है बायस ड्यू टू ऑब्जर्व। अब दूसरा बायस हो सकता है कि जिसको ऑब्जर्व कर रहा है उसकी वजह से। तो ये बायस कब होता है, जब ऑब्जर्वेशन का सिचुएशन जो है वो पता चल गया जिस ऑब्जर्व्ड को कि मेरा ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो वो क्या हो गया कि उसका जो बिहेवियर है वो नेचुरल ना रहकर क्या हो गया कि उससे इंटरफेरेंस हो गया क्योंकि उसको पता चल गया कि कोई मुझे वॉच कर रहा है, कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो उससे नेचुरलनेस उसका खत्म हो जाता है। तो यहाँ जिसका ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो हो सकता है उसे पसंद ना आए कि उसे ऑब्जर्व किया जाए, इसलिए वो नेचुरल या फिर नेचुरली बिहेव नहीं कर रहा है। तो जैसे बच्चे स्टॉप कर देते हैं खेलने और मदर्स में स्टॉप नर्सिंग द चाइल्ड, तो अगर उनको ऑब्जर्व किया जाए तो बच्चे खेलना छोड़ देते हैं या बच्चों को किसी चीज़ के लिए ज़्यादा ध्यान से ऑब्जर्व करने लगो तो बच्चे से वो बिहेवियर जो नेचुरली हो रहा है वो नहीं हो पाता, वो नहीं कर पाता या वो बदल जाता है, वो सजग हो जाता है। तो ये सिंपल प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वर क्या है, नेचुरलनेस को, इवेंट के सिचुएशन के नेचुरलनेस को हैम्पर कर देता है, उससे इंटरफेयर करता है। और अगर ऑब्जर्वर को नहीं पता है तो फिर क्या होगा कि ऑब्जर्वेशन जो है वो सही नहीं होगा। तो ये दो हुआ कि जहाँ पर एक तो ऑब्जर्वर का बायस है कि वो अपने कुछ विचार लेके आया है तो वो जो चीज़ देखना चाहता है वही देखना चाहता है, वो ऐसे नहीं देखता है, तो हो सकता है कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ उससे छूट जाए और कोई लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ को वो ज़्यादा महत्व दे दे। और जब जिसका ऑब्जर्वेशन हो रहा है उनको अगर पता चल जाए तो वो नेचुरली बिहेव नहीं करते, उससे सही इन्फरेंस नहीं निकल पाता। अब ऑब्जर्वेशन का बहुत सारा मेथड होता है। पहला है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ये सब चीज़ें अलग से बहुत डिटेल में भी पढ़ी जाएंगी लेकिन ऑब्जर्वेशन के तरीके में हम इसको एक एक करके देख लेते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स ये क्या होता है कि एक डिटेल डिस्क्रिप्टिव नरेटिव रिकॉर्ड है जो कि किसी भी बिहेवियर या कोई इंटरेक्शन होता है उसके बाद ये रिकॉर्डेड किया जाता है। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है कि टीचर को बता ये पता इन्फॉर्म करता है कि जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस है या जो भी इंफॉर्मेशन फैमिली को देना है या जो भी इंसाइट देना है उन सब चीज़ों के बारे में बताता है। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है स्टूडेंट का, इसमें सिस्टमैटिक नोट्स ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, इंडिविजुअल स्टूडेंट के बिहेवियर का रिकॉर्ड रखा जाता है क्लासरूम में, उसका स्किल उसके एटीट्यूड्स को टीचर रिकॉर्ड करते। तो इसको हम ये ऑब्जर्वेशन
जब इवेंट हो गया तब रिकॉर्ड किया जाता है, और ये पास्ट टेंस में लिखा जाता है कि उसने ऐसे किया था ऐसा। तो ये इसमें कि क्या सिग्निफिकेंट और क्या इम्पॉर्टेंट डिटेल्स होता है चाइल्ड के बारे में उसको लिखा जाता है, और इसमें उसके बहुत सारे एरियाज को कवर किया जाता है उसके विकास का। तो जब बच्चे को ऑब्जर्व किया जाता है उसका एनेक्डोटल मेथड में, तो क्या उसने कहा, क्या उसने किया, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा था, उसने क्या स्टेटमेंट दिया, उसका फेसियल एक्सप्रेशन क्या था, उसका वॉइस का टोन हार्श था या लो था, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में ये सारी छात्र के बारे में सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं, और इसे पास्ट टेंस में लिखा जाता है। यह एक यूजफुल मेथड है किसी भी इवेंट या एक्शन को, जो कि हमें किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट, इंटरेस्ट, स्किल और एबिलिटीज को बताता है। इस तरह का बच्चे को जब ऑब्जर्व किया जाता है स्कूल में अगर हम करते हैं तो उसमें बच्चे के सारे, जैसे मान लीजिए बच्चे का हम प्लेग्राउंड में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो प्लेग्राउंड में जो भी इक्विपमेंट है, जो भी खेलने का तरीका है, उस पर वो कैसे उनके साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है या कैसे उनको यूज कर रहा है, तो इससे हमें कैसा इंफॉर्मेशन मिलता है, उनका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कि कैसा हुआ, उनका हैंड एंड मोटर का कोऑर्डिनेशन है कि नहीं, या जब बच्चा अगर फेल कर जाता है रो रहा है तो उसके इमोशनल स्टेट का पता चलता है। फिर उसका आपस में ग्रुप में वो किस तरह से बिहेव कर रहा है इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो हम उसके सोशल डेवलपमेंट को जानते हैं। तो इस तरह से एनेक्डोटल रिकॉर्ड के जरिए भी हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अगला है ऑब्जर्वेशन का तरीका है इवेंट सैंपल्स। इवेंट सैंपल्स में क्या होता है कि उस शॉर्ट ऑब्जर्वेशन होता है बच्चों के रिस्पॉन्स में, किसी भी सिचुएशन में बच्चे का जो रिस्पॉन्स होता है उसको ऑब्जर्व किया जाता है और इसे रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि बच्चे के बिहेवियर के पैटर्न को अध्ययन किया जा सके, और वो इंडिकेशन देता है कि क्यों स्पेसिफिक बिहेवियर बच्चे ने किया। तो ये इंफॉर्मेशन हमें या ऑब्जर्वर को मदद करता है जानने में कि बच्चे का किस तरह का रिएक्शन किस सिचुएशन में होता है, ठीक है। तो उसके बिहेवियर को मैनेज करने के लिए ये ऑब्जर्व किया जाता है, इवेंट्स का सैंपल और उसका सैंपल बनाया जाता है। फिर है रनिंग रिकॉर्ड। रनिंग रिकॉर्ड क्या होता है कि हमें बच्चे को अगर ऑब्जर्व करना है तो एवरीथिंग जो बच्चा एक टाइम सेट कर दिया गया और उसके बाद बच्चे ने जो जो कहा उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये रिकॉर्ड जो रखा जाता है ये प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये रिकॉर्ड जो होता है वो बच्चे के बिहेवियर का पर्टिकुलर सिचुएशन में उसके बिहेवियर को स्टडी करने में मदद करता है। तो ये बता करता है कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में बच्चा क्यों और किस तरह बिहेव करता है ये जानने में मदद करता है, ये ऑब्जर्वेशन करने में मदद, ये ऑब्जर्वेशन हमें ये बताने में मदद करता है कि उसका बिहेवियर किसी समय में कैसा होता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। जॉटिंग क्या है कि कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट या बिहेवियर या कन्वर्सेशन है उसको का शॉर्ट डिटेल को नोट करना, ये या तो एक कुछ सेंटेंस हो सकता है या एक पैराग्राफ में। तो ये क्या है कि ये बिहेवियर को और इवेंट को रिकॉर्ड करने का एक तरीका है, ऑब्जर्व करके उसे जॉट डाउन कर लेना। फोटोग्राफ कहता है कि एक फोटोग्राफ 100 वर्ड्स को बोलता है। मतलब क्या है, फोटो जो बच्चे का किसी भी एक्टिविटी में एंगेज है उसका फोटो खींच लेना, और उसका क्या होता है कि उसके बाद एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिख लेना। तो ये ऑब्जर्वेशन का एक तरीका है जो कि हमें ये बताता है कि बच्चे की लर्निंग किस तरह से चल रही है। तो ये क्या है कि इसमें उतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि सीरीज ऑफ फोटो को कलेक्ट करने कर ऑब्जर्व करने के लिए एक तरीका हो सकता है कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे बदल रहा है या कैसे बढ़ रहा है। फिर है एक सोशियोग्राम। सोशियोग्राम भी एक टेक्निक है ऑब्जर्वेशन का, यह मैप है या एक डायग्राम है ऑब्जर्वेशन का, ये भी एक तरीका है जिसमें कि बच्चे का फ्रेंडशिप और उसका सोशल इंटरेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। और इसमें क्या है कि सोशल इंटरेक्शन बच्चों का किस तरह से होता है, तो ये बताता है कि कोई भी बच्चा किसके साथ खेलना पसंद करता है और
किसकी मदद करता है, या सोशल स्किल क्या है, वो अपने ग्रुप में कितना पॉपुलर है, या फिर कौन उस जैसे कौन बच्चे के बगल में बैठना चाहता है, ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए सोशियोग्राम की मदद की जाती है, तो ये भी एक टेक्निक है। फिर टाइम सैंपल्स, क्या है कि ये रिकॉर्ड अकरेंस ऑफ चाइल्ड बिहेवियर, उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए कि कोई भी बिहेवियर वो कि थ्रू आउट द डे कोई भी अच्छा बिहेवियर और बुरा बिहेवियर वो कितनी बार करता है, तो इससे एक टैली बनाई जाती है और उसके बिहेवियर का रिकॉर्ड रखा जाता है। ये क्या है कि इससे बच्चे का नेगेटिव बिहेवियर को चेक ऑब्जर्व करके उसे चेक किया जा सकता है और ये पता चल सकता है कि क्यों ये बिहेवियर उसके वो क्यों इस तरह का बिहेवियर करता है। तो इसे हम एवरी आवर या एवरी हाफ एन आवर में रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑब्जर्व करके। अगला है, अब हमें देखना है कि ऑब्जर्वेशन मेथड के क्या फायदा और क्या मेरिट और क्या डिमेरिट है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, हमें ये पता चला कि ऑब्जर्वेशन जो है ना, ऑब्जर्वेशन मेथड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है एवेल्युएशन का, और इसको कई तरीका से किया जा सकता है किसी भी बिहेवियर या किसी भी सब्जेक्ट, मतलब कोई भी व्यक्ति जिसका हम स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। जैसे कि ये हमारा और इसके हमने डिफरेंट टाइप्स को देखा, और ऑब्जर्वेशन में क्या करना है कि हमारा कुछ स्टेप्स भी होता है कि हम पहले करें कि हमारा ऑब्जर्वेशन का स्टेप्स यहाँ पर लिखें, स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करेंगे कि हम ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है। दूसरा है कि क्वेश्चंस, क्वेश्चनायर भी बनाया जाता है, क्वेश्चंस तैयार कर लें। फिर तीसरा है किस मेथड से हम डेटा कलेक्ट करेंगे, हमने बहुत सारा मेथड देखा। फिर हम डेटा को गैदर करने के बाद उसका एनालिसिस, तो ये सारा ऑब्जर्वेशन रिसर्च में आ जाता है। हम तो ऑब्जर्वेशन मेथड कर रहे हैं तो ये इसका टाइप्स हमने देखा और इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है कि ये डायरेक्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जब घटना घट रही होती है या जब ये कलेक्ट करते हैं हम डेटा, जब वो हम ऑब्जर्व करते हैं, जब भी किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो हम डायरेक्ट उसको डेटा को कलेक्ट करते हैं, और डेटा कलेक्ट जो होता है ऑब्जर्वेशन स्टडी में वो जैसी घटना घटती है उनके नेचुरल सेटिंग में हमें ये बताता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन नेचुरल सेटिंग में होता है इसलिए वो लंबे समय तक स्टडी कर सकता है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हो सकता है लंबे समय तक, वर्षों तक समय, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं किसी भी एक ग्रुप का लंबे समय तक उसका ग्रोथ को स्टडी कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन जो है वो सर्वे रिसर्च से सुपीरियर होता है, एक्सपेरिमेंटेशन और डॉक्यूमेंट स्टडी सुपीरियर टू सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटेशन और डॉक्यूमेंट स्टडी फॉर कलेक्टिंग डेटा ऑन नॉन वर्बल बिहेवियर में हम उसे ऑब्जर्व करके जहाँ पर बिना बात किए भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। पहला है कि इसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जैसे घटना घटती है उसे हमें उसी तरह से ऑब्जर्व करना होता है, इसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। फिर सैंपल साइज स्मॉल होता है, क्योंकि हम एक साथ बहुत बड़ा गैदरिंग को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसलिए सैंपल साइज इसमें छोटा होता है। और
क्योंकि हम डायरेक्ट देखकर ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं, इसलिए हमें पास्ट का लर्निंग नहीं हो पाता, पास्ट को जानने का अवसर नहीं मिलता. सो दैट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन. थैंक यू.